Hello, welcome to Arvind Singh Academy. Today we are going to start definite integration. Definite integration में क्या है कि है तो integration ही, लेकिन इसमें जो c का झमेला है वही खत्म हो जाता है. मतलब यहाँ पे जो कुछ भी वैल्यू आता है वो डेफिनेट आता है. कैसे और क्यों? जब हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू किया था तब हमने बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में होता है ये एक लिमिट होती है, एक बाउंड्री होती है, और उस बाउंड्री के अंदर हमें इंटीग्रेशन करना, उस बाउंड्री के अंदर ही हमें इंटीग्रेशन करना होता है. तो ये इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हम लिखते हैं, ये जैसे कि लिखा है x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी, ये दो बाउंड्री है. इस दो बाउंड्री के अंदर और x एक्सिस के अंदर हमें इंटीग्रेशन करना होता है, राइट? तो ये है y एक्सिस, ये आप मान लीजिए x एक्सिस, और ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स. अगर मैं इसे लिखूं ऐसा कि a टू b एफ एक्स डी एक्स, तो इसका मतलब हुआ कि हमें एरिया जो मिलेगा वो होगा, मीनिंग इज एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, enclosed by the curve under y is equal to fx with x axis between x is equal to a and x is equal to b. So of course the all four boundaries, ये x इज इक्वल टू बी है, ये x इज इक्वल टू ए है, और ये x इज इक्वल y इज इक्वल टू जीरो है, x एक्सिस है तो, और ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है. जब सारी की सारी बाउंड्री फिक्स है तो इसके अंदर एरिया जो होगा वो भी क्या होगा? फिक्स होगा. इसके अंदर जो एरिया होगा वो भी फिक्स होगा, और उस एरिया की हम बात करना चाहते हैं कि जो एरिया इनकी बाउंड्री के अंदर है. तो ये एरिया जो होगा वो एरिया क्या होगा? फिक्स होगा. और इस फिक्स एरिया की बात हमें करनी है. तो ये जो एरिया होगा चूंकि फिक्स्ड होगा, इसलिए इस तरह के इंटीग्रेशन में जो वैल्यू आती है उसमें, मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स आ गया, कैपिटल एफ एक्स, तो इसको हम लिखेंगे ए टू बी, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना होगा. तो हम कैलकुलेट करके क्या लिख देंगे? एफ बी अपर लिमिट पहले वैल्यू रख देते हैं, माइनस लोअर लिमिट वैल्यू रख देते हैं, अर्थात यहाँ पे लिख देता हूं एफ बी माइनस एफ ए, ये वैल्यू आएगा इसके अंदर कैलकुलेट करने के बाद. और ये वैल्यू जो होगा वो फाइनाइट होगा, बिकॉज ये जो वैल्यू आता है ये एक फाइनाइट वैल्यू आता है. दिस इज ए फाइनाइट वैल्यू and therefore finite value and therefore that integration is called definite integration. इसलिए इस integration को हम कहते हैं definite. इससे area enclosed under the curve application of integration भी इसी के अंदर आएगा, लेकिन इसमें हम जब integration पढ़ेंगे तो कुछ properties भी पढ़ना होगा. Some properties are there for definite integration, वो भी हम करेंगे, और उसके बाद इसका application भी है बहुत, और कंपटीशन में इसी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आता है. जहां तक अगर बोर्ड की बात करूं, स्कूल की बात करूं, तो इसमें इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आता है. एक तो एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन आता ही आता है, और बाकी इसके प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आता ही आता है. सो कंपटीशन के लिए ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. मेनी मेनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक विल बी इन कॉम्पिटिटिव पेपर्स, एंड होपफुली आपको मजा आएगा इस टॉपिक पढ़ के. हमें तो खूब मजा आता है, तो आपको भी मजा आएगा इस टॉपिक को पढ़ के. और इसमें ये चूंकि फाइनाइट है, इसलिए इस तरह के इंटीग्रेशन को हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन. इसमें हम सी नहीं लिखेंगे, सी नहीं लिखते. जो वहां पे अनोन कॉन्स्टेंट होती है वो सी नहीं लिखते. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर एक क्वेश्चन लू यहाँ पे, और उस क्वेश्चन को करें ऐसे, जैसे मान लीजिए लिखा है कि 1 2 3 x dx, इसका मतलब ये y इज इक्वल टू x का लाइन है. इसमें x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? x स्क्वायर बाई 2, और बाउंड्री कहां से कहां तक है? लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 3. तो पहले रख देंगे 3, x की जगह पे 3, तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1,
नाइन माइनस वन एट, और डिवाइडेड बाई क्या है टू, तो क्या हो जाएगा 8/2 4, तो ये आंसर आ जाएगा 4, चूंकि एरिया है इसलिए लिखते हैं स्क्वायर यूनिट, तो 4 स्क्वायर यूनिट एरिया आ गया। बहुत सिंपल सा है, जो हम इनडेफिनिट में करते थे वही सारा काम यहाँ भी करना है, लेकिन इसमें क्या करना है, हमें वैल्यू रखनी है। तो आइए एक आध क्वेश्चन और करके देखते हैं, और कैसे क्वेश्चंस करेंगे ये देखते हैं, क्वेश्चंस की बात करते हैं। वो एग्जांपल था, एक क्वेश्चन है यहाँ पे जैसे लिखा है, छोटा सा क्वेश्चन सबसे पहले लेते हैं। ये लिखा है 0 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें लिखना है इंटीग्रेशन को, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब बाई थ्री, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू, वन का इंटीग्रेशन एक्स, कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। मतलब सबसे पहले अपर लिमिट रखना है 2 का क्यूब माइनस, फिर लोअर लिमिट रख देना है, अलग अलग भी रख सकते हैं फंक्शन को, ऐसे भी एक फंक्शन में ही पहले अपर और लोअर दोनों रख लिया डिवाइडेड बाई थ्री, फिर दूसरे फंक्शन में अपर और लोअर रख लिया फिर डिवाइडेड बाई टू, फिर तीसरे फंक्शन में अपर और लोअर रख लिया, ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, 8/3 प्लस 4/2 दैट इज 2 प्लस 2 यानी 4, 4 3 12 प्लस 8 20/3 आंसर हो गया, स्क्वायर यूनिट एरिया आता है, लेकिन जब तक एरिया ना कहा जाए तब तक हम ये 20/3 आंसर सिर्फ लिख देंगे, ठीक है, 20/3 इसको हम आंसर लिख देंगे। अगर किसी को मान लो कि ये असमंजस हो कि हम ऐसे क्यों रखें, हम क्यों ना सबका पहले 2 रख दें फिर 3 रख 0 रखें, तो वैसे भी कर सकते हैं, सबका वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो पहले ही आ जाएगा 8/3 प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 दैट इज 4/2 प्लस 2, माइनस 0 रखेंगे तो सबका क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये तो 0 ही आ जाएगा, है ना। सो ऐसी स्थिति में ये आ गया 8 प्लस 4 20/3 माइनस 0, तब भी ये 20/3 आ गया आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो आप किसी को इंडिविजुअली भी रख सकते हैं और पूरी फंक्शन की वैल्यू एक साथ रख सकते हैं, इसमें आंसर में कोई अलग अलग नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे ये लिखा है साइन एक्स 0 से π/2 dx, इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा, अगर इसको इंटीग्रेट करें तो ये मिलेगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक, ये आया। इसका अर्थ हुआ कि साइन माइनस पहले अपर लिमिट रखेंगे, कॉस π/2 माइनस कॉस 0, कॉस π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके 1 हो गया। लिटरल सेंस में क्या है ये आखिर है क्या, ये अगर हम सीखना चाहें कि ये है क्या, और इसको साइन एक्स 0 to π/2 साइन एक्स क्या देता है, तो हम उसे सीख सकते हैं इस तरह से कि अगर मैं कहूं कि ये साइन एक्स का ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ 0 से π/2 के अंदर ऐसा होगा, है ना, ये π/2 के अंदर, चूंकि ग्राफ तो होता है वैसे आगे तक जाएगा तो ये होगा पाई, फिर आगे जा करके और ऐसे 2π, है ना, तो इस तरह से ग्राफ होता है, लेकिन हमें निकालना है कहां से कहां तक एरिया, हमें निकालना है सिर्फ 0 से π तक, π/2 तक, π/2 तक यही होगा, क्योंकि यहां तक आके पाई होता है, यहां तक आके 2π होता है, तो यहां तक का एरिया निकालना है, मतलब हमें 0 से π/2 तक का एरिया निकालना है, और इसके अंदर ये जो एरिया होगा, ये एरिया जो होगा, ये एरिया हमें निकालना है, ये एरिया निकल रहा है। तो अगर हम ये लिख रहे हैं कि ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है साइन एक्स का, तो साइन एक्स का ग्राफ है और 0 से यहाँ पे 0 है, 0 से π/2 के अंदर ये एरिया निकल के आएगा, और ये एरिया जो होगा वो कितना होगा, तो ये एरिया आपका यहाँ पे जो आंसर लिखा हुआ है वो इसी एरिया के लिए लिखा हुआ है कि ये एरिया 1 होगा, ये जो एरिया लिखा है ये 1 होगा। तो इस तरीके से आप पिछले क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, कहीं पे लिखा है, अगर मान लीजिए कि ये एक तीसरा क्वेश्चन ले लूं मैं, कि y इज इक्वल टू
2x plus 1 फंक्शन है, एंड फाइंड इफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 विथ x एक्सिस बिटवीन x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3, देन व्हाट टू डू। तब भी इसका मतलब यही हुआ कि हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ये एप्लीकेशन हो गया। तो ये बेसिक इंट्रोडक्टरी है डेफिनेट इंटीग्रेशन का कि हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या इसका मतलब होता है। अगर मान लीजिए कि ये y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है तो ये ग्राफ होगा इसका, ठीक है। x 0 रखेंगे तो y 1 होगा और y 0 रखेंगे तो x क्या होगा, माइनस 1 बाई 2। तो ये लाइन हो गया जो इस ग्राफ का होगा, यहां पे आएगा कितना, ये हो गया 0 1, और ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस 1 बाई 2 कॉमा 0, ये पॉइंट हो गया, है ना। सो अब ये ग्राफ का एरिया हमें किसके किसके बीच में निकालना है जी, x इज इक्वल टू 2, ये है x इज इक्वल टू 2 और ये है x इज इक्वल टू 3, यहां पे ये लाइन है x इज इक्वल टू 3, इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। मतलब कि हमें ये एरिया निकालना है, ये सारा एरिया हमें निकालना है। तो ये एरिया निकालने के लिए आपको देख के समझ में आ रहा है कि एक ट्रेपीजियम टाइप का चीज बन रहा है। इसका एरिया निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन का यही कर देंगे, इससे यही मिलेगा, आपको कुछ करना नहीं है। एरिया इनक्लोज्ड इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 टू 3 y dx, y का मतलब x का वैल्यू लिखते हैं, 2x प्लस 1 dx, y का कुछ लेना देना नहीं है, ये dx है तो इसके अंदर x का ही फंक्शन होना चाहिए, y का फंक्शन होने से नहीं निकलेगा, y जो फंक्शन ऑफ x, y को वैल्यू लिख रखोगे इसका मतलब x की ही वैल्यू x के टर्म्स में ही लिखना है, y जो फंक्शन ऑफ x, तो y ना लिख के ये x के वैल्यू x के टर्म्स में जो फंक्शन डिफाइंड है वो लिखना होता है। अब यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो ये हो जाएगा कितना, 2x स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x, और कहां से कहां तक, 2 से 3 तक, ये 2 से 2 तो पहले कट गया, अब आपके पास बच गया x स्क्वायर प्लस x, पहले अपर लिमिट रख दोगे तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3, माइनस लोअर लिमिट रख दोगे तो 2 स्क्वायर प्लस 2, 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 12, 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 6, सो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हुआ। चलिए पहले इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या ये वाकई में सही है, अगर सही है तो हम उसे देखें कि क्यों सही है। चलिए वेरीफाई करते हैं कि यहाँ पे अगर x 2 होगा तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ये कर्व जो है, कर्व है क्या, ये कर्व बेसिकली है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, यानी इस कर्व में हम कहीं पर भी y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है। x अगर 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5, तो ये हो जाएगा 2, 5, ये पॉइंट हो जाएगा 2, 5, ये पॉइंट कितना होगा, ये x 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7, ये हो जाएगा 3, 7। इसका मतलब ये लेंथ जो है वो 7 यूनिट है, ये लेंथ जो है वो 5 यूनिट है, और ये 2 से 3 के बीच का ये कितना है, ये है 1 है। अब ये ट्रेपीजियम बना रहा है तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल के हम वेरीफाई कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको पता है, सब लोग बचपन में पढ़े होंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये होता है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, तो ये हो गया 1/2। पैरेलल साइड्स क्या क्या है, 5 प्लस 7, और हाइट क्या है यहां से यहां तक 1, तो हाइट है 1, यानी ये हो गया 5 प्लस 7 12, 12/2 दैट इज 6 स्क्वायर यूनिट। तो आपको पता चल गया कि ये जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये कुछ भी नहीं, बस क्या करता है, ये उस कर्व के द्वारा x एक्सिस से जितना एरिया बनता है
उस एरिया को कैलकुलेट करने का एक तरीका है। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन इज नथिंग एल्स बट इट विल रिप्रेजेंट द एरिया इनक्लोज बाय द कर्व अलोंग विद एक्स एक्सिस बिटवीन टू एब्सिस दैट इज गिवन और इट मे बी ऑर्डिनेट एज वेल बट वी विल डिफाइन सेपरेटली व्हाट दिस इज एंड हाउ दिस इज बट टिल नाउ ये इसका मतलब है कि कहीं पर भी एरिया जो होता है वो कैलकुलेट करते हैं और उससे ये वैल्यू आती है। चलिए एक क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 0 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डीएक्स। अब ये दो कर्व हो गए, इसमें कैसे निकलेगा एरिया या ये क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको निकाल के देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लिखने की जरूरत है। ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है इसलिए हम हर तरह के क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर रहे हैं, बाकी आगे क्वेश्चन स्पेसिफिक होंगे। यहाँ पे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया? साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ? माइनस कॉस एक्स। और ये कहां से कहां तक है जी? जीरो से पाई बाई टू तक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू हम रख देंगे क्या? साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस साइन जीरो माइनस कॉस जीरो। तो ये हो गया साइन पाई बाई टू वन माइनस जीरो एंड साइन जीरो जीरो कॉस जीरो वन। तो ये क्या मिल गया? वन माइनस माइनस प्लस वन दैट इज टू स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया इस तरह से क्वेश्चन का कैलकुलेशन। इसका मतलब ये है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जो कि मुश्किल है। मुश्किल क्या है कि प्रॉपर्टीज के जब थोड़े से क्वेश्चन आएंगे तो उसको कब और कैसे लगाना है ये सीखना थोड़ा सा जरूरी है और वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है शुरू शुरू के दिनों में, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि कब किसको कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं। लेकिन जैसे ही आप प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से समझ पाएंगे किस प्रॉपर्टी को लगाने से क्या होने वाला है और इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद क्या वैल्यू आने वाली है और क्यों ये हेल्पफुल होगा, तो आपको ये बड़ा आसान लगेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, मतलब कि प्रॉपर्टी को समझना बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टी को समझ लें तो हमारा काम बन जाएगा। ये इस चैप्टर में जैसे ही हम क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, हाँ क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद क्वेश्चन की प्रकृति कैसे बदलेगी वो थोड़ा देखने वाली बात होगी। जैसे मान लीजिए कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए लिखा है 1 से 4 और यहाँ पे लिखा है एक्स, नीचे लिखा है 1 + x² का होल स्क्वायर dx, ठीक है? आपको पता चल रहा है कि नीचे वाले ये जो फंक्शन है इसको अगर मैं t पुट कर लूं, x स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर में है तो ऊपर में 2x dx dt हो जाएगा। तो हम क्या करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्या क्या कर सकते हैं? पुट कर लिया हमने 1 + x² = t, 1 + x² = t। अब इसका डेरिवेटिव हो गया 2x dx = dt, यानी x dx के बदले आप लिख सकते हैं ½ dt। x dx के बदले क्या लिख सकते हैं? ½ dt लिख सकते हैं। नाउ चूंकि हमने वेरिएबल को चेंज कर दिया, तो वेरिएबल को चेंज करने के बाद जो है नया वेरिएबल में ये जो इंटीग्रेशन का लिमिट था वो था x के रिस्पेक्ट में। अब इंटीग्रेशन जो है वो x से बदल के शिफ्ट हो गया t के रिस्पेक्ट में। तो वैल्यू भी t के रिस्पेक्ट में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। t के रिस्पेक्ट में वैल्यू होगी, इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो t के रिस्पेक्ट में आएगी। तो हम क्या करेंगे कि अब इसको t के रिस्पेक्ट में रखेंगे, वैल्यू को t के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो कैसे चेंज करेंगे, ये वैल्यू चेंज कैसे होगी? पहले व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब x 1 था, तो x अगर यहाँ 1 होगा तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, तो क्या होगा? देन t कितना हो जाएगा? t हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2। जब x 4 था तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17। यानी अब जो लिमिट होगा वो होगा कुछ इस तरह का कि लिमिट जो होगा वो होगा i इज इक्वल टू, लिख देंगे कहां से कहां तक, जो 1 था उसकी जगह पे अब 2 आ गया, जो 4 था उसकी जगह पर 17 आ गया, और x dx के बदले
हम लिख देंगे हाफ डी टी अपॉन, इसके बदले क्या लिखेंगे टी, और पूरे का स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, ये हो गया हाफ 2 से 17 तक डी टी अपॉन टी स्क्वायर, 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये कह सकते हैं। 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, सबको पता है क्या होता है, -1 अपॉन टी होता है, 2 टू द पावर 17। अब ये माइनस बाहर आ जाए और 1 बाई टी क्या हो गया 2 टू द पावर 17, इसका मतलब हो गया -1/2, 1/17 पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट रख दिया, तो ये हो गया 2 माइनस 17 -15, ऊपर में आ जाएगा -15 और नीचे में आ जाएगा 34, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, 15/68 स्क्वायर यूनिट जो होगा वो क्या होगा आंसर, ठीक है, ये स्क्वायर यूनिट आंसर हो गया 15/68। अब हमेशा स्क्वायर यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड बात है कि एरिया जो होगा वो क्या होगा स्क्वायर यूनिट में होता है, इसलिए 15/68 आंसर हो गया। तो आपने देखा कि हम जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसके कोरिस्पोंडिंगली लिमिट भी चेंज हो जाता है, लिमिट चेंज पक्का होगा तभी हम इस करेक्टली इवेलुएट कर पाएंगे, अगर लिमिट चेंज नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसका मतलब एक चीज इसमें इम्पोर्टेंटली याद इम्पोर्टेंट है जो याद रखना है वो ये है कि आप जब भी सब्स्टिट्यूशन करें तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आपको लिमिट इंटीग्रेशन की लिमिट जो है वो कोरिस्पोंडिंगली चेंज करना ही चाहिए, जब ये बात आपको ध्यान रहेगी तो आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं और इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये लिखा है π/6 से π/3 और ये है cos x upon 1 plus sin square x, 1 plus sin square x, ठीक है, cos x upon 1 plus sin square x या 4 plus sin square x ऐसा कुछ लिखा है, तो आप क्या करेंगे, ये है dx इंटीग्रेशन, ये ऑफ कोर्स है कि यहाँ पे साइन एक्स को अगर टी पुट करूं तो कॉस एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा डीटी हो जाएगा, तो हमें यही ध्यान रखना होता है जो इंडेफिनिट में किया था वही यहाँ भी करना है कि किसका डेरिवेटिव है, यहाँ पे साइन एक्स को मान लिया टी तो कॉस एक्स डीएक्स क्या हो गया डीटी। अब लिमिट एक साइन एक्स को के कोरिस्पोंडिंग था, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट था ये, अब ये टी क्या हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इसको अलजेब्रिक फंक्शन में चेंज कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इज कि चेंजिंग फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू अलजेब्रिक फंक्शन एंड इट इज बिकॉज द फंक्शन इज गोइंग टू चेंज सो ऑफ कोर्स लिमिट विल आल्सो चेंज, सो व्हाट टू डू इज कि आप अब एक्स के रिस्पेक्ट में लिमिट चेंज करें, व्हेन एक्स इज इक्वल टू π/6 टी विल बी साइन π/6 and sin pi by 6 is what 1/2, ठीक है, now when x is equal to π/3 t would be what sin pi by 3 that is √3/2, ये आ गया, यानी लिमिट जो है वो पूरी की पूरी तरह से चेंज हो गया। अब इंटीग्रेशन में क्या होगा, इंटीग्रेशन जो है हमारा वो हो जाएगा इस cos x dx के बदले क्या लिख दूंगा dt, जो लिमिट पहले π/6 था π/6 किस में कन्वर्ट होके हो गया ये 1/2 में, तो 1/2 से √3/2 तक कन्वर्ट हो गया लिमिट और dt हो गया, नीचे क्या हो गया 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और इसको क्या लिख सकते हैं t स्क्वायर। अब ये आ गया क्या a² + x², पिछला जितना फॉर्मूला इंडेफिनिट में सीखा था उन सब का इस्तेमाल यहाँ होगा, तो ये हो गया 1/a tan inverse x/a, ये हो गया और इसमें लिमिट कहां से कहां तक है 1/2 से √3/2 तक, तो क्या मिलेगा ध्यान से देखिए 1/2 tan inverse √3/2 रखेंगे तो ये √3/4 हो जाएगा, -1/2 रखेंगे तो ये tan inverse 1/4 हो जाएगा और प्लस c आंसर लिख देंगे, सी तो लिखने की जरूरत नहीं है, सॉरी
सी यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। ये आंसर आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई जरूरत है नहीं। ये अगर वेल नोन वैल्यू आता तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते, चूंकि वैल्यू ऐसी कोई वेल नोन आ नहीं रही है इसलिए इसको इतना आंसर लिखा जा सकता है। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपको इससे ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इसको टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई के रूप में कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगा वो लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनडेफिनिट से डेफिनिट में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, एक्सेप्ट कि आपको यहाँ पे लिमिट दी गई है इंटीग्रेंट की, और आपको फाइनली लिमिट की वैल्यू रखनी होगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ध्यान से देखिए। ये क्या है कि ऐसा क्वेश्चन है कि 227 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर राइट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 dx। अब यहां पे भी आप देख रहे हैं कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, तो आप सीधे लॉग ऑफ नीचे वाला लिख सकते हैं, और चूंकि आप लॉग ऑफ नीचे वाला लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, और ये इंटीग्रेंट की लिमिट है 227, तो आप वैल्यू रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 7² = 49 +7 - 3 = 4, that is 3, 49 + 3 = 52 -log 2 रखोगे तो क्या होगा 2² = 4 + 2 = 6 - 4 = 2 that is log 52 / 2 that is log 26। ये आंसर आ गया। अब कोई क्या है कि हमने ऐसा आंसर निकाल दिया, कोई कहता है कि नहीं हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हम पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट कर लिया उसने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 को टी, तो 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू क्या हो गया dt। चूंकि आपने अभी हमने कहा था कि जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, तो लिमिट चेंज करते हैं, 227 था यानी x जब 2 होगा तो t क्या होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 2, 2 टू जब 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 4 इज 2, ठीक है। x 2 रखोगे तो t की वैल्यू भी क्या आएगी 2, x जब हम रख देंगे कितना 7, 7² = 49 + 7 49 + 7 = 56 -4 = 52, d आ गया 52। तो जो लिमिट ऑफ इंटीग्रैंड है वो 2 से 7 जो पहले था अब हो गया 2 से 52। तो अब इंटीग्रैंड पे क्या फर्क पड़ेगा जरा वो देखें। इंटीग्रेंड जो हमारा था वो हो गया पहले 2 से 7 था ना 2 से 7, अब क्या लिख देंगे 2 से 52, और इस 2x dx प्लस 1 dx के बदले, इन दोनों के बदले क्या लिख देंगे dt, और नीचे क्या लिख देंगे t। अब ये क्या हो गया 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो गया log t। लिमिट का इंटीग्रेंड कहां से कहां है 2 से 52 तक, मतलब क्या हो गया कि log 52 पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, सेम आ गया क्या यहाँ वाला, देखो आ गया ना, इसका मतलब log 52/2, इसका मतलब log 26 आंसर। तो दोनों ही बातें एक जैसी है, इसमें कोई नया नहीं है, आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बताने के पीछे मेरा यही पर्पस था कि आप ये ना परेशान हो, डायलेमा में ना हो कि हमने ऐसा कर दिया तो क्या हो जाएगा, अगर वैसा करेंगे तो वो क्या होगा, आप कैसे भी करेंगे सही काम कर रहे हैं तो उसके गलत नतीजे नहीं हो सकते। जो लोग भी सही काम करते हैं सही काम का सही नतीजा ही होता है, सही काम का कभी गलत नतीजा नहीं होता। तो जो रिजल्ट और जो आउटपुट होगा वो हमेशा सही ही होगा, सही के सिवाय कुछ और नहीं होगा। तो आप निश्चिंत होकर के इस चैप्टर को एंजॉय कर सकते हैं। इसमें आपको यही बात दिमाग में रखनी है कि हमें क्वेश्चन में जब भी कहीं सब्स्टिट्यूशन करना होगा तो लिमिट चेंज करनी होगी। अगर बिना सब्स्टिट्यूशन के हम क्वेश्चन डायरेक्टली ओरली कर सकते हैं या कर देते हैं तो लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने वेरिएबल को चेंज ही नहीं किया। जब वेरिएबल को ही चेंज नहीं किया तो लिमिट को चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप इस चैप्टर में एंजॉय खूब करेंगे।
और खूब मजा आएगा, बशर्ते आपको इनडेफिनिट के सारे जो टाइप्स हैं, जो रूल्स हैं, जो हमने बताए हुए हैं, वो सब आपको याद हो। अगर ये सब चीज याद होगा तो डेफिनेटली आपको मजा आएगा और बहुत मजा आने वाला है। अगली क्लास में फिर बात होती है, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।